हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग के बारे में। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, तो हम पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है सीएनसी मशीन में, इसका यूज क्या होता है। तो सीएनसी मशीन में जो हमारी स्पिंडल होती है, स्पिंडल को ड्राइव करवाने के लिए, स्पिंडल को रोटेट करवाने के लिए हमें मोटर की जरूरत होती है। वो चाहे तो एसी मोटर भी हो सकती है और डीसी मोटर भी हो सकती है। तो जो भी होता है ड्राइव करवाने के लिए, इसको स्पिंडल को ड्राइव करवाने के लिए, ठीक है, स्पिंडल को ड्राइव करवाने के लिए हमें जरूरत होती है मोटर की। वो एसी मोटर भी हो सकती है या फिर डीसी मोटर भी हो सकती है। और जो स्पिंडल ड्राइव करवाते हैं वो डायरेक्ट तरीके से भी करवाया जा सकता है और इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे गियर ट्रांसमिशन की सहायता से, गियर की सहायता से, या फिर बेल ट्रांसमिशन की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्पिंडल है उसको क्या कर सकते हैं, ड्राइव करवा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मोटर में हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो सीएनसी मशीन में स्पिंडल होती है, स्पिंडल को ड्राइव करवाने के लिए हमें मोटर की जरूरत होती है। वो मोटर एसी मोटर भी हो सकती है या फिर डीसी मोटर भी हो सकती है। जो ड्राइव होती है वो डायरेक्ट तरीके से भी करवाई जा सकती है और इनडायरेक्ट तरीके से भी ड्राइव को करवाया जा सकता है, ड्राइव करवाई जा सकती है स्पिंडल को, जैसे कि हम गियर का यूज करके, गियर ट्रांसमिशन का यूज करके, बेल ट्रांसमिशन का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, हमारी स्पिंडल को ड्राइव करवा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर की इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है। अब हम बात करेंगे सर्वो मोटर के बारे में कि सर्वो मोटर क्या होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सर्वो मोटर के बारे में। सर्वो मोटर, तो सर्वो मोटर क्या है, सर्वो मोटर एक डिवाइस है या फिर एक मोटर है जिसका यूज हम करते हैं स्पीड कंट्रोल एप्लीकेशन के रूप में। हम स्पीड कंट्रोल को करने के लिए हम यूज करते हैं सर्वो मोटर का। इसमें क्या करते हैं हम, एक सेंसर का, हम कुछ सेंसर्स का यूज कर लेते हैं जो एक फीडबैक के रूप में काम करते हैं और हमारी पूरी प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो हमारी स्पीड है मशीन की, स्पिंडल की स्पीड और या सीएनसी मशीन की स्पीड है, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो सर्वो मोटर क्या है, एक तरह से स्पीड कंट्रोल के रूप में काम करता है। किस लिए काम करता है, ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए काम करता है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। इसमें हम यूज किसका करते हैं, कुछ सेंसर्स का यूज करते हैं, कुछ सेंसर का यूज करते हैं। वो सेंसर क्या है, फीडबैक के रूप में काम करते हैं, हमें फीडबैक देते हैं कि हमारी स्पीड को कितना कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। तो सर्वो मोटर में आपने पढ़ा, सर्वो मोटर क्या है, एक मोटर है जिसका यूज हम करते हैं स्पीड कंट्रोल एप्लीकेशन के रूप में, स्पीड कंट्रोल के रूप में हम यूज करते हैं। इसमें कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो कि फीडबैक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेपर मोटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेपर मोटर क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेपर मोटर की, स्टेपर मोटर क्या होती है। तो स्टेपर मोटर क्या है, इसका यूज हम करते हैं लो प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसका हम यूज करते हैं लो प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, लो प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं सर्वो मोटर का। इसमें क्या होती है, जो शाफ्ट की रोटेशन होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 200 पार्ट्स में। हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 200 पार्ट्स में। हम क्या करते हैं, जो रोटेशन होती है शाफ्ट की उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जो ईच पार्ट होता है, जैसे डिवाइड करने के बाद जो प्रत्येक पार्ट होता है उनके बीच में एक एंगल बनता है, वो होता है 1.8 डिग्री का एंगल बनता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेप बोल देते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर में हमने क्या पढ़ा कि स्टेपर मोटर का हम यूज करते हैं लो प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर जो रोटेशन होती है शाफ्ट की उसको हम डिवाइड कर देते हैं 200 पार्ट्स में। जो शाफ्ट की रोटेशन होती है उसको हम 200 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उनके बीच में जो ईच पार्ट होता है उनके बीच में एक एंगल बनता है, वो होता है 1.8 डिग्री का, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेप। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्वफ्ट रिमूवल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वफ्ट रिमूवल क्या होती है। तो हम क्या अगर बात करते हैं, अगर सीएनसी मशीन में, तो सीएनसी मशीन में क्या होती है, जो प्रोडक्शन होती है वो तेजी के साथ होती है।
हाई स्पीड के साथ उसमें कटिंग होती है और हाई स्पीड के साथ ही क्या होता है मटेरियल जो भी है वो रिमूव होता है। तो हाई स्पीड के साथ रिमूव होने की वजह से क्या होता है, जैसे हमारा जो मशीन टूल का एरिया होता है उस एरिया के चारों ओर क्या होता है चिप्स वगैरह जम जाती है, मतलब जो भी मटेरियल से उतर रहा है, जैसे हम वर्कपीस है, वर्कपीस से जो भी मटेरियल उतर रहा है टूल्स की सहायता से वो क्या होता है हमारे मशीन टूल के साथ, मान लीजिए ये हमारा मशीन टूल का एरिया है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर क्या होता है वो स्वर्फ वगैरह जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसको जिसकी वजह से क्या होता है जब हम कोई भी आगे प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, वो क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती, पुअर क्वालिटी होती है। तो इसको हम रिमूव करने के लिए कूलेंट्स का यूज करते हैं, हमारे पास प्रेशर कूलेंट्स होंगे जिनकी सहायता से हम इस पे स्ट्राइक करवाएंगे और इसको क्या करेंगे वर्केबल एरिया जहां पे हम काम कर रहे हैं उस एरिया से हम जो भी चिप्स वगैरह उतरी हुई है, जो भी मटेरियल का बचा खुचा पार्ट पड़ा हुआ है, जो भी हमारी स्वर्फ है उसको हम रिमूव कर देंगे कूलेंट्स की सहायता से, और इसको क्या करेंगे कन्वेयर बेल्ट या बेल्ट की सहायता से हम क्या करेंगे जो भी हमारे बिन्स बने होंगे, डस्टबिन बने होंगे, जहां पे हम फेंकना चाहते हैं वहां पे हम क्या करेंगे इनको पहुंचा देंगे। तो इस सारी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं स्वर्फ रिमूवल। तो स्वर्फ रिमूवल में एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या होता है कि हमारी जो मशीन सीएनसी मशीन होती है वो कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस मशीन मतलब लॉन्ग पीरियड तक काम करती है, हाई स्पीड के साथ काम करती है, तो हाई स्पीड से काम करने की वजह से जो मटेरियल रिमूवल का रेट होता है वो भी क्या होता है हाई होता है, यानी कि जो मटेरियल रिमूव होगा वो भी क्या होगा ज्यादा होगा। ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारे मशीन टूल का जो एरिया होता है वर्केबल एरिया होता है जहां पे हम काम कर रहे हैं तो उस एरिया पे स्वर्फ वगैरह जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, चिप्स इकट्ठा हो जाती है, जिसको जिसकी वजह से क्या होता है अदर प्रोडक्ट्स पे जो हम दूसरे प्रोडक्ट बना रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे क्या होता है बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो हम कूलेंट्स का यूज करते हैं, प्रेशर कूलेंट्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या जो भी स्वर्फ वगैरह जमी हुई है वर्केबल एरिया के पास जो भी चिप्स पड़ी हुई है उसको हम रिमूव कर देते हैं, वो हम कन्वेयर बेल्ट की सहायता से जो हमारे बिन्स बने होंगे डस्टबिन होंगे जहां पे हम पहुंचाना चाहते हैं उनको फेंकना चाहते हैं वहां तक हम उसको ले जाएंगे। तो इस सारी प्रोसेस को इस सारे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं स्वर्फ रिमूवल। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्वर्फ रिमूवल। अब हम बात करते हैं गार्डिंग और सेफ्टी के बारे में, गार्डिंग और सेफ्टी की गार्ड करना, गार्डिंग एंड सेफ्टी। तो अब हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं गार्डिंग और सेफ्टी के बारे में, सॉरी सेफ्टी के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा मशीन टूल होता है जब वर्केबल एरिया होता है जहां पे हम काम करते हैं तो वहां पे सेफ्टी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि सीएनसी मशीनें होती है ऑटोमेटिक मशीनें होती है कंटिन्यूस चलती है, लॉन्ग पीरियड के लिए मशीनें होती है लंबे समय के लिए चलती रहती है, तो उस दौरान हमें सबसे ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है कि हमें किसी भी प्रकार का मशीन से हमें कोई भी इफेक्ट ना हो, मतलब हमारी बॉडी पे हमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो क्या होता है जो भी मशीन के अंदर ड्राइव होते हैं जैसे ड्राइव स्क्रू होते हैं, उसके बाद गाइडवेज होती है, स्लाइडवेज होती है, ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो उनकी सेफ्टी सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है कि हम मशीन पे जब हम काम कर रहे हैं तो काम करने से पहले हम चेक करेंगे कि जो भी हमारे मशीन के पार्ट्स वगैरह हैं जो भी हमारे मशीन के एलिमेंट्स हैं वो क्या प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर फिट है, लूज तो नहीं है, अगर वो लूज है तो हम उनको टाइट करेंगे ताकि काम को हम आसानी से कर सके, काम करते हुए ऑपरेशन करते हुए बीच में कोई दिक्कत ना आए, उनका अगर हमारे पार्ट्स कोई लूज हो गए तो उनका इफेक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी पे पड़ेगा जिससे कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा पुअर बनेगा, ठीक है। और जो हम ये सेफ्टी और गार्डिंग करते हैं जो इनके इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं वो हमारी सीएनसी मशीन की शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग बने होते हैं कि अगर हमारी मशीन की शेप कैसी है तो उसके हिसाब से उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे, सेफ्टी इक्विपमेंट्स बने होंगे, अगर हमारी मशीन है सीएनसी मशीन उसके साइज कैसा है तो साइज पे डिपेंड होगा सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने कैसे रखनी है, सेफ्टी के जो इक्विपमेंट है वो कैसे होंगे। तो गार्डिंग और सेफ्टी में जस्ट हम पढ़ेंगे सेफ्टी के बारे में कि हमें कौन कौन से पार्ट्स की जैसे सेफ्टी रखनी चाहिए, जैसे हमारे गाइडवेज होते हैं, गाइडवेज होते हैं या फिर ड्राइव स्क्रू होते हैं, ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो इन सब पार्ट्स की हमें क्या करनी चाहिए सेफ्टी रखनी चाहिए तो ताकि हमारी मशीन क्या प्रॉपर वर्क कर सके, क्योंकि अगर ये पार्ट्स खराब हुए तो हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे जो भी हम पार्ट तैयार करेंगे उस पार्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, वो क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। और जो इनका साइज होता है मतलब हमने सेफ्टी के लिए कौन कौन सी डिवाइस यूज करनी है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस कौन सी यूज करनी है, वो हमारे सीएनसी मशीन के साइज और शेप के हिसाब से हम उसको डिसाइड कर लेते हैं।
तो ये हमने पढ़ा गार्डिंग और सेफ्टी के बारे में कि कैसे हम अपने मशीन को बचा सकते हैं, जो उसके पार्ट्स हैं उनको हमने कैसे सेफ रखना है, सेफ रखना है, अलग अलग इनकी सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, ताकि क्योंकि अगर हमारा पार्ट सेफ होंगे, हमारी मशीन प्रॉपर वर्क करेगी, तभी हम एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कटिंग टूल्स फॉर सीएनसी मशीन के बारे में। कटिंग टूल्स फॉर सीएनसी मशीन, कि सीएनसी मशीन पे हम कौन कौन से कटिंग टूल्स का यूज करते हैं, ये क्लासिफिकेशन है कटिंग टूल्स का। सीएनसी मशीन पे हम कौन कौन से सीएनसी मशीन पे कटिंग टूल्स यूज करते हैं, तो फर्स्ट है, तीन प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग अप ऑफ टूल, कि हमने टूल की सेटिंग कैसे की है उसके हिसाब से। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टूल कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ टूल मटीरियल के हिसाब से। तो जो हमारा कटिंग टूल है वो सीएनसी मशीन पे वो तीन प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग अप ऑफ टूल, कि हमने टूल की सेटिंग कैसे की है उसके हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ टूल कंस्ट्रक्शन, कि हमने जो टूल को कंस्ट्रक्ट किया है, टूल को बनाया है, वो किस हिसाब से बनाया है। ऑन द बेसिस ऑफ टूल मटीरियल, कि जो हमारा टूल का मटीरियल है वो कैसा है। तो ये तीन प्रकार के क्या होते हैं हमारे सीएनसी मशीन में, कटिंग टूल्स होते हैं टूलिंग होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग अप टूल फर्स्ट के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग अप ऑफ टूल, इसके हिसाब से हमारा जो टूल होता है वो तीन प्रकार के टूल होते हैं। पहला होता है प्री सेट टूल, फर्स्ट वन है हमारा प्री सेट टूल। सेकंड हमारा है क्वालिफाइड टूल, और जो थर्ड होता है इसमें वो है सेमी क्वालिफाइड टूल। ठीक है, तो सेटिंग अप ऑफ टूल के हिसाब से जो हमारे टूल होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रीसेट टूल, दूसरा है क्वालिफाइड टूल, तीसरा है सेमी क्वालिफाइड टूल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीसेट टूल की। तो प्रीसेट यानी कि प्री मतलब पहले, कि हम क्या करेंगे, जो हमारी सीएनसी मशीन है उस मशीन पे एक स्पेशल होल्डर का यूज करके पहले ही एडवांस में एक टूल को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो उसको हम बोल देते हैं प्री सेट टूल, कि जब हम काम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन के दौरान मशीन के ऊपर एक स्पेशल होल्डर को यूज करेंगे और उस स्पेशल होल्डर पे एडवांस में हम क्या करेंगे, एक टूल को अटैच कर देंगे, टूल को लगा देंगे, माउंटेड कर देंगे, यानी कि जो हमारे टूल से थोड़ा सा क्या होगा, दूर होगा, तो उसको हम प्री सेट टूल बोल देते हैं। यानी कि प्री एडवांस में हमने क्या कर दिया, टूल को सेट करना। जैसे लिखा हुआ इसमें डेफिनेशन में, द सेटिंग ऑफ टूल इन एडवांस एट ए फार प्लेस फ्रॉम द मशीन टूल, कि मशीन टूल से कुछ दूरी पे एडवांस में एक टूल को सेट करना इन स्पेशल होल्डर इज नोन एज प्री सेट टूल। तो उस टूल को हम क्या बोलेंगे, प्री सेट टूल। द सेटिंग ऑफ टूल इन एडवांस एट फार प्लेस फ्रॉम द मशीन टूल इन स्पेशल होल्डर इज नोन एज प्री सेट टूल, कि एडवांस में मशीन टूल से कुछ दूरी पे एक टूल को सेट करना, किसमें सेट करना, एक स्पेशल होल्डर में, उसको हम बोल देते हैं प्री सेट टूल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिफाइड टूल कौन सा होता है।
क्वालिफाइड टूल क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर लोकेशन होती है, ये प्रॉपर लोकेशन पे फिट होता है, ठीक है, जिसके कटिंग एज क्या होते हैं, एक्यूरेट पोजीशन करते हैं, एक्यूरेट पोजीशन पे होते हैं कटिंग एज, और जो इसकी पोजीशन होती है फिटिंग की वो भी क्या होती है, प्रॉपर फिशन सॉरी प्रॉपर पोजीशन होती है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं क्वालिफाइड टूल। तो क्वालिफाइड टूल में हमने क्या पढ़ा, क्वालिफाइड टूल जो है वो प्रॉपर पोजीशन पे, जहां पे प्रॉपर इसकी लोकेशन है, प्रॉपर पोजीशन है, वहां पे ये फिट होगा। उसके बाद क्या होगा, जो इसके कटिंग एज होंगे वो क्या होंगे, पूरे एक्यूरेट होंगे, एक्यूरेट पोजीशन पे सेट होंगे। तो ये हमने प्रीसेट और क्वालिफाइड। अब बात करते हैं हम सेमी क्वालिफाइड की। तो सेमी क्वालिफाइड में क्या होता है, सेमी क्वालिफाइड टूल क्या होता है, ये एडजस्ट किया जाता है, इस पे बटन लगे होते हैं, 3 बटन लगे होते हैं, एडजस्टेबल बटन होते हैं, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, सेमी क्वालिफाइड टूल को जिस पोजीशन पे हम सेट करना चाहते हैं उस पोजीशन पे हम इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 एडजस्टेबल बटन। इस पे 3 एडजस्टेबल बटन लगे होंगे, जिनकी सहायता से हम क्या करेंगे, सेमी क्वालिफाइड टूल को सेट कर पाएंगे। तो हमने प्रीसेट पढ़ा। प्रीसेट टूल में क्या था, हम मशीन टूल से कुछ दूरी पे पहले ही एडवांस में एक टूल को सेट कर देंगे होल्डर में, स्पेशल होल्डर में, तो वो प्रीसेट टूल हमारा बन जाएगा। क्वालिफाइड टूल कौन सा होता है, क्वालिफाइड टूल की प्रॉपर लोकेशन होती है, प्रॉपर इसका एरिया होता है जहां पे इसको फिट करना होता है, और जो इसका कटिंग एज होते हैं वो एक्यूरेट पोजीशन पे लगे होते हैं जहां पे इनका यूज करना। उसके बाद सेमी क्वालिफाइड में हमने क्या पढ़ा, सेमी क्वालिफाइड में क्या होता है, इसको एडजस्ट करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए 3 बटन लगे होते हैं, ठीक है, बटन्स होते हैं जिनकी सहायता से हम इनको किसी भी पोजीशन पे जहां पे हम सेट करना चाहते हैं वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ टूल कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टूल कंस्ट्रक्शन। 3 हमने पढ़े थे, फर्स्ट के बारे में पढ़ा, अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टूल कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टूल कंस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सबसे पहले होता है सॉलिड टूल, सॉलिड टूल, सेकंड होता है ब्रेज्ड टूल, और जो हमारा थर्ड होता है इंसर्टेड, इंसर्टेड बिट टूल। तो ये 3 प्रकार के हमारे टूल होते हैं, सॉलिड टूल, ठीक है, 3 प्रकार के हमारे टूल होते हैं, सॉलिड टूल, ब्रेज टूल और इंसर्टेड बिट टूल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड टूल के बारे में कि सॉलिड टूल क्या होता है। जो सॉलिड टूल होते हैं वो हाई स्पीड स्टील के, या फिर हाई स्पीड स्टील, या फिर बोल सकते हैं हाई कार्बन स्टील, तो इसके बने होते हैं। जो हमारे सॉलिड टूल होते हैं वो हाई स्पीड स्टील या फिर हाई कार्बन जो स्टील होता है उसके बने होते हैं, और ये क्या होते हैं, पूरे हार्ड होते हैं, मतलब इनको जब हम वर्किंग करते हैं मशीन टूल पे, जब हम सीएनसी मशीन पे इस टूल का, सॉलिड टूल का यूज करते हैं, तो हमारे कटिंग फ्लूइड्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर हमारे पास कटिंग फ्लूइड्स होगा तभी हम प्रॉपर वर्किंग कर पाएंगे, क्योंकि ये हार्ड टूल होते हैं। हार्ड टूल क्या होते हैं, तो काम करने के वक्त क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीटेड हो जाते हैं, तो इसलिए हमें कूलेंट्स की जरूरत पड़ेगी सॉलिड टूल्स में, क्योंकि ये हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और जब हम इनका यूज करेंगे लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो वर्किंग के दौरान क्या होते हैं, हीटेड हो जाते हैं, तो इसलिए हमें क्या होता है, सॉलिड टूल में कूलेंट्स का, कोटिंग कटिंग फ्लूइड्स होते हैं उनकी जरूरत होती है, उनका हम इसमें यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ब्रेज टूल की, कि ब्रेज टूल क्या होते हैं, तो इन ये भी क्या होता है, इनका जो शेंक होता है, जो इनका पीछे का हिस्सा होता है, जो वर्क होल्ड होता है, जिसको हम होल्ड करते हैं, जो पीछे का हिस्सा होता है टूल का, वो क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ, मतलब स्टील का बना होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन मशीन में हम जैसे कटिंग करते हैं तो कटिंग क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, तो ब्रेज टूल क्या होता है, प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हम हाई स्पीड कटिंग में, जहां पे कटिंग पूरी स्पीड के साथ होती है वहां पे हम इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टूल क्या होता है, सीएनसी में ज्यादा कंज्यूम होता है, और वहां पे हम इसका यूज नहीं कर सकते ब्रेज टूल का। इसका जो शेंक होता है वो स्टील का बना होता है, स्टील का होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है इसकी, ठीक है, इसका यूज जो है हम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जो टूल है सीएनसी मशीन में ज्यादा कंज्यूम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंसर्टेड बिट टूल की। इंसर्टेड बिट टूल क्या होता है, जब हमें हाई स्पीड पे कटिंग करनी है, हाई स्पीड पे कटिंग करनी है, और जो टूल चेंजिंग का टाइम है
उसको मिनिमाइज करना है, तो तब हम यूज करते हैं इंसर्टेड बिट टूल का। कब हम इंसर्टेड बिट टूल का यूज करते हैं? जब हमें हाई स्पीड कटिंग चाहिए, हाई स्पीड कटिंग, जब हमें हाई स्पीड कटिंग चाहिए, ठीक है, और हमने क्या करना है, जो भी टाइम चेंजिंग हो रहा है, जैसे टूल को चेंज करने में जो टाइम लग रहा है उसको भी हमने कम करना है, तब हम यूज करते हैं इंसर्टेड बिट टूल का। तो सॉलिड टूल में पढ़ा कि सॉलिड टूल जो हमारा होता है हाई स्पीड स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील का बना होता है, सॉलिड टूल जो हार्ड होते हैं तो वर्किंग के दौरान क्या हो जाते हैं, हीटेड हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनमें कूलेंट का यूज करते हैं, प्रॉपर कूलेंट का यूज करते हैं। कूलेंट का अगर यूज करेंगे तभी हमें एक अच्छी फिनिश प्राप्त होगी, सरफेस फिनिशिंग अच्छी होगी, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। उसके बाद बात की हमने ब्रेज टूल की, तो ब्रेज टूल का जो शेंक होता है, पीछे का हिस्सा होता है, वो क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ का बना होता है, स्टील का बना होता है। तो वर्किंग कर रहे हैं, जैसे हम सीएनसी मशीन पे लगातार वर्किंग करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, टूल ज्यादा कंज्यूम होता है, तो उसी की वजह से हम ब्रेज टूल का भी यूज ज्यादा नहीं कर पाते। फिर बात हमने की इंसर्टेड बिट टूल की, कि जहां पर हमें हाई स्पीड कटिंग चाहिए, हाई कटिंग चाहिए, और हमने मिनिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है, टूल चेंजिंग टाइम को, कि हम बार बार टूल को चेंज कर रहे हैं उस टाइम को हमने कम करना है और हमें हाई स्पीड के साथ कटिंग करनी है, तब हम यूज करेंगे इंसर्टेड बिट टूल का, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टूल मटीरियल, कि मटीरियल के हिसाब से टूल हमारा कितने प्रकार का हो, ठीक है, कौन कौन सा मटीरियल हम यूज करते हैं टूल को बनाने के लिए। On the basis of tool material, तो ये काफी प्रकार का होता है। सबसे पहले हाई कार्बन स्टील सबसे पहले बात करते हैं हम हाई कार्बन स्टील, फिर हमारे पास है हाई स्पीड स्टील, ठीक है, ये हम मटेरियल पढ़ रहे हैं टूल के, हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट जो हमारे पास है कास्ट अलॉय नेक्स्ट है सेरामिक्स। तो ये क्या है, हमारे टूल्स हैं, टूल के मटेरियल्स हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट अलॉय और सेरामिक्स, जिनका यूज हम करते हैं टूल को बनाने के लिए, टूल को तैयार करने के लिए हम यूज करते हैं हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट अलॉय और सेरामिक्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCS भी लिखते हैं और ये हमारा होता है HSS। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई कार्बन स्टील की। हाई कार्बन स्टील क्या होता है, तो हमारा जो भी टूल है, टूल को हार्ड करने के लिए हम यूज करते हैं हाई कार्बन स्टील की। तो कार्बन की परसेंटेज जो इसमें होती है वो होती है 0.75 से लेके 1.5%। जो हमारी कार्बन की परसेंटेज होती है वो होती है 0.75 से लेके 1.5% कार्बन, क्योंकि हम किसी भी चीज को, हमारा टूल है, हम उसको अगर हार्ड बनाना चाहते हैं, मटेरियल को हार्ड बनाना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है कार्बन की परसेंटेज पे, कि उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है। तो हाई कार्बन स्टील में परसेंटेज होगी कार्बन की 0.75 से लेके 1.5%। उसके बाद बात करते हैं हम हाई स्पीड स्टील की, कि हाई स्पीड स्टील क्या होता है, ये भी एक तरह से कार्बन स्टील है। इसके अंदर हम कुछ अलॉयिंग एलिमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे टंगस्टन का यूज करते हैं, हम किसका यूज करेंगे, टंगस्टन का, क्रोमियम का, कोबाल्ट का, हम क्या करेंगे, टंगस्टन, क्रोमियम और कोबाल्ट का इनमें यूज करेंगे, इसमें हाई स्पीड स्टील में, जैसे यहां पे लिख देता हूं, अगर हमारे पास हाई स्पीड स्टील है तो हाई स्पीड स्टील भी एक तरह से कार्बन स्टील का है, लेकिन हम इसमें टंगस्टन हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो इन चीजों का क्या करेंगे, यूज करेंगे, कोबाल्ट हो गया, टंगस्टन हो गया और क्रोमियम हो गया, तो इन चीजों का हम ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा जो टूल है वो मटीरियल है वो और हार्ड हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी थर्ड की, कास्ट अलॉय, कि कास्ट अलॉय क्या होता है, कास्ट अलॉय, ठीक है, कास्ट अलॉय भी क्या है, एक मिश्र धातु होती है, अलॉय होती है, जिसके अंदर हम क्रोमियम, टंगस्टन और कोबाल्ट है,
जिनको क्या कर देते हैं, हम ऐड करते हैं, जिससे हमारा जो मटेरियल है वो हार्ड हो जाता है और उससे हम क्या कर सके, टूल बना सकते हैं कास्ट अलॉय से। इसी प्रकार हमारा फोर्थ था सेरामिक्स, सेरामिक्स, ठीक है सेरामिक्स। तो इसमें क्या होता है, इस मटेरियल में हम ऐड कर देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, बोरन ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, सेरामिक्स, सेरामिक्स। तो हमने पढ़े टूल के मटेरियल्स के बारे में, हाई कार्बन स्टील का यूज करेंगे, हाई स्पीड स्टील का यूज करेंगे, कास्ट अलॉय का और सेरामिक्स का। हाई कार्बन स्टील में क्या करेंगे हम, जो इसकी हार्डनेस है वो डिपेंड करती है कार्बन की परसेंटेज पे कि कार्बन उसमें कितना है, तो कार्बन होगा 0.75 से लेके 1.5%। उसके बाद बात करेंगे हम हाई स्पीड स्टील की, तो हाई स्पीड स्टील भी एक तरह से कार्बन स्टील होता है जिसके अंदर हम ऐड करते हैं टंगस्टन को, कोबाल्ट को, क्रोमियम को। उसके बाद बात की हमने कास्ट अलॉय की कि कास्ट अलॉय भी क्या होता है, को ये भी एक तरह से अलॉय है जिसके अंदर हम क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर बात की हमने सेरामिक्स की, सेरामिक्स क्या है, ये भी एक तरह से मटेरियल है जिसके अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड को ऐड किया जाता है। तो ये हमने पढ़े टूल के मटेरियल्स के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कटिंग टूल्स फॉर सीएनसी मशीन्स, कटिंग टूल फॉर सीएनसी मशीन्स, कटिंग टूल्स फॉर सीएनसी मशीन्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम टूल होल्डर के बारे में पढ़ेंगे कि सीएनसी के टूल होल्डर क्या होता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या होता है, एटीसी क्या होता है, एटीसी साइकिल क्या होता है, तो इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।